पब्लिक चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि आज 29 अप्रैल को सुबह से ही चुनाव का माहौल खत्म हो चुका और वोट डालने का सिलसिला शुरू हो गया, जिसके मद्देनजर मतदाताओं ने वोट डालने में बड़ी उत्सुकता दिखाई दी और घरों से उस सुबह से ही निकलना शुरू कर दिए और अपना वोट डालना शुरू कर दिया है। पब्लिक चैनल ने खुद अपनी टीम के साथ कई बूथों पे जा करके जायजा लिया, जिसमें मुमरा इंग्लिश स्कूल, आइडियल कॉम्प्लेक्स के पास जो मराठी स्कूल है वहां पे जो सिलसिला शुरू हुआ है वहां का जायजा लिया, और असदुल्ला खान स्कूल में वहां का भी भ्रमण किया गया। कई जगहों पे देखा गया कि मतदाता बहुत ही उत्सुकता से कतारों में खड़े हुए हैं वोट डालने के लिए, लेकिन बड़े ही अफसोस की बात है कि जितनी वफादारी ये मतदाता दिखाते हैं नेताओं को वोट देने के लिए, उतनी वफादारी इन नेताओं में नहीं होती है कि वो जीत करके जब आते हैं और यही मतदाता जब अपनी फरियाद लेकर के इन नेताओं के पास जाता है कि साहब मेरा काम कर दीजिए, तो वो कहता है कि अभी हमको फुर्सत नहीं, तो मतदाता ये कहता है कि मैंने आपको वोट दिया, तो इन नेताओं का एक ही जवाब रहता है कि तुम्हारे एक वोट से मैं नहीं जीता हूँ, और सबको जिसका काम नहीं करना रहता है उसको यही जवाब देते हैं। ये बड़े ही अफसोस की बात है कि एक जनता जो बड़ी वफादारी के साथ अपने नेता को वोट दे करके और उनको जिताता है और वही नेता इनको जीतने के बाद आग दिखाती है। नेताओं को, उम्मीदवारों को चाहिए कि जीतने के बाद अपनी जनता की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। फिलहाल अभी जो वोट डालने का सिलसिला शुरू है वो बहुत ही दिलचस्पी दिखाई है मतदाताओं ने। मुमरा शहर के मतदाताओं ने बड़ी दिलचस्पी दिखाई है, उनको कतारों में देखा गया कि वो लगे हुए हैं वोट देने के लिए, यहाँ तक कि चिलचिलाती धूप में भी बिल्कुल दोपहर बिल्कुल पसीने से तरबतर लोग भी जो है लाइन में खड़े रहे वोट देने के लिए। कौसा गांव के समाज सेवक मंसूर साहब अपने पूरे टीम के साथ दिखाई दिए। इसके अलावा भी दूसरे बूथों पर देखा गया बुजुर्ग हैं और महिलाएं हैं जो नकाब पहने हुए हैं और इस गर्मी में और पसीने से तरबतर हैं, फिर भी वोट डालने के लिए वो लाइनों में लगी हैं। इससे ऐसा लगता है कि इस बार कुछ करिश्मा होने वाला है, कुछ बदलाव होने वाला है। ये जो अगर वोटिंग का ग्राफ, वोटिंग का जो है परसेंटेज बढ़ता है तो वाकई में कुछ जो है बदलाव होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। सुल्तान रिज़वी, पब्लिक चैनल।